लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी तीन भेड़िया गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। अवध बिहारी चौधरी के साथ बड़हरिया की राजद नेत्री डॉक्टर साइका नाज भी मौजूद रही। राजद के इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी और स्थानीय लोग इस बार अवध बिहारी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उन्होंने कहा कि देश चुनाव के मूड में है और देश में पक्ष में जनता गोलबंद है। वहीं अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि अगड़ी पिछड़े दलित महादलित सभी जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। 25 मई को जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट काफी ऐतिहासिक होगा और काफी अच्छे अंतर से जीत दर्ज होगी और इस बार कोई लड़ाई में नहीं है। भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। कौन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आएगा इसकी लड़ाई हो रही है। ये चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। वहीं अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि विपक्ष के सामने कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है। रोजगार का जो सवाल है वो माननीय तेजस्वी जी की देन है। शिक्षक और डॉक्टरों की बहाली तेजस्वी जी के कारण हुई है। और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। तो उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय अवध बिहारी चौधरी जी और इसमें भी हमारे गार्जियन स्वरूप नेतागण है और यहाँ जितने भी महिलाएं और पुरुष और वोट के मालिक है जितने भी आए हैं मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम सलाम और नमस्कार कर रही हूँ। यहाँ आप लोग उपस्थित है और इतनी जनसंख्या में है ये देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और मैं भी बढ़िया की हूँ। मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अशरफ अली वो भी एक पेशे से डॉक्टर है और मैं भी एक पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं महिला हूँ और महिलाओं के लिए ही ज्यादा नेतृत्व में बात करूंगी। महिलाओं को हमेशा ही ससुराल में चला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन हम लोग पास कोई उपचार नहीं रहता है। हम किससे जा सकते हैं? अपने पति से जा सकते हैं, अपने बड़े भाई से जा सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं मिलता है जिससे हम जा करके अपने सुख दुख को बताएं और बांटे। लेकिन हमारे लोकप्रिय और हमारे सीवान जिला के निवासी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ऐसे हैं जिनका अस्थायी ग्रह यही है। सिवान जिला में आप कभी भी किसी भी समय जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप अपनी बातों को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रख सकती हैं, अपनी बातों को खुल के कह सकती हैं। पुरुषों से कहने की जरूरत नहीं है, आप उनसे खुल के कहिए। वो यहाँ से जहाँ तक पहुँच होगी वो वहाँ तक जा करके आपकी बातों को पहुँचाएंगे, आपको मजबूत करेंगे। हम सब महिला एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे तभी नारी का सम्मान का जो महत्व है हम सबको पता चलेगा। इसीलिए हम सबको लोकप्रिय माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को अपने मतदान को वेस्ट नहीं करना है, उनको विजयी बनाना है और भारी मतों से विजयी बना करके उनको हम जिताना है। और लालटेन छाप जो कि पहचान की मोहताज नहीं है, लालटेन छाप मतलब लालू यादव, लालू यादव मतलब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव मतलब हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। ये तो किसी के मोहताज नहीं है, ये पहचान मोहताज नहीं है और हम सबको इस बात को हमेशा जानना है कि हम कहीं भी जाए कैसे भी जाए लेकिन हमारा अधिकार हम स्वतंत्र हैं। हम लालटेन पे बटन दबाए और भारी मतों से विजयी बना करके हम अपने अवध बिहारी चौधरी जी को जीत की आग्रह बधाई दे। धन्यवाद जी। आज अवध बिहारी चौधरी आप लोग बीच आए हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवध बिहारी चौधरी भारी मतों से जीत रहे हैं। आज जनता का जो मांग है बेरोजगारी सत्ता बचाना, इनके पीछा कोई नहीं कर रहा है। ये सिवान का दूसरा गांधी जी है, इनके ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है सिवान जिला में। क्यों आप चाहते हैं कि अवध बिहारी को ही चुनाव जिताया जाए? अवध बिहारी चौधरी को जिताया नहीं, जीत चुके हैं, ये जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। एक तरफ इनके पीछे कोई नहीं, इंडिया कुछ नहीं, इंडिया फिका गया खाली, बस वो झूठ बोल रहे हैं। लोग राजद के साथ हैं? हाँ, राजद के साथ हम लोग हैं। ठीक है, नाम बताइए अपना। लाल बाबू यादव। प्रखंड में जाएगा आज पूरे बड़हरिया प्रखंड के दौरा है, आज तिलभेड़िया में दौरा हुआ और सब हम लोग मिलजुल करके एनडीए को हटाएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कितने शिक्षित हैं आप लोग? लगातार पूरा जन समर्थन आपके साथ, पूरा समूह हर तबके के लोग जो है कि आज आपके साथ जुड़ने लगे। सब लोगों का समूह हमारे साथ है और वो
पूरा जो है हम लोग चुनाव को जीते हैं। यहाँ पर युवाओं का काफी उत्साह देख रहे, सब युवा उत्साहित है। बिहारी, 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 बिहारी,